मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के नंदनगर कॉलोनी में बीती रात अपराधियों ने हथियार के बल पर घर के लोगों को बंधक बनाकर घर में रखे 60,000 नगद एवं 6,00,000 के सोने व चांदी के आभूषण और मोबाइल लेकर डकैती की घटना को अंजाम देकर फरार होने की घटना प्रकाश में आई है। बताते चलें कि यह घटना उस वक्त हुई जब घर के लोग घर में सोए हुए थे। यह घटना शनिवार की रात 2 बजे घटी है। 5 की संख्या में अपराधी घर के पीछे वाली खिड़की को तोड़कर घर में घुसे थे। घर में सोई हुई महिला को हाथ पैर बांधकर पिस्टल दिखाकर घर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं सुबह जब महिला ने अपने रिश्तेदारों को फोन करके बुलाया, उसके बाद घटना की सूचना राजनगर थाना को दी गई, जिसके बाद थाना दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद वहां की स्थिति से अवगत होकर छानबीन में जुट गई। बताते चले कि पीड़ित परिवार के द्वारा थाने को इस घटना के संबंध में आवेदन दे दिया गया है। पीड़िता मंजू देवी पिपरा घाट माट गांव निवासी है, जो पिछले 5 साल पूर्व मधुबनी नंद कॉलोनी में मकान बनाकर रह रही थी। क्या घटना हुई आप यहाँ पे? डकैती हुई है। कब हुई? कितने टाइम, मतलब कितने देर लगे? 2 बजे के बीच में हुई है। कितने की डकैती हुई? कीमत करीबन 7-8 लाख हुई है। कितने लोग आए हुए थे? 5 आदमी आए थे अंदर। 5 आदमी सब रिवॉल्वर चाकू के साथ। अच्छा, मतलब रिवॉल्वर चाकू हथियार से लेस थे और घर में सबको कैद बंधक बना के फिर काम किया। कितने की डकैती, कितने रुपए की हुई है? डकैती कितने की हुई है? कितने रुपए सामान कितने के ले गया वो? 7-8 लाख का। 7-8 लाख रुपए के, मतलब टोटल पूरा? पूरा। गहना वहना जेवरात कितने? कैश ले गया 50-60 हज़ार का कैश ले गया, बाकी 5-6 लाख का गहना था वो ले गया। तो घर में कौन कौन मौजूद थे? मेरे 2 भाभी रहती है। अच्छा, और बच्चे लोग रहते हैं। मतलब महिला ही थी उस टाइम? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार मंडल। सुनील कुमार मंडल। क्या घटना हुआ बेटी? घर खोल के हमार सब्जी बर लगे, मोबाइल ले लेला, गोदरेज खोल के ले लेला, सबटा सामान, चक्कू भिड़ने छला, पिस्तौल भिड़ने छला, पैर हाथ बांध देने छला हमरा। पैर हाथ बांध के फिर वो कुछ नहीं किए, पलंग पर छोड़ ऐसे ही रख। अच्छा, कितने की संख्या लोग आए? 4-5 की संख्या में। दिखने में कैसा था? एक आदमी था, इसलिए इतना बड़ा मुंह था इसका। और तो मास्क लगाया हुआ था, काला। हथियार में क्या क्या लेके आया था? हथियार में एक पसीना जैसा नहीं, चप्पू, 3 पिस्तौल। अच्छा, 3 पिस्तौल। और कमर में रखे हुआ था? दस भर सोना और 50-60 हज़ार मोबाइल। एक मोबाइल। कितने बजे की घटना होगी? लमसम 1-2 के बीच की। आप लोग कैसे समझे, मतलब इसके लिए जो घटना हुआ तो वैसे तब में आ में किया ही कुछ जलता हो यह बेटा के ये बच्चा